जिलाधिकारी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर के अभियुक्त डॉक्टर अभिषेक के राज नर्सिंग होम सहित 100 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने अभियुक्त डॉक्टर अभिषेक के राज नर्सिंग होम, उसकी पत्नी, बहन की 60 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। डॉक्टर अभिषेक, उसकी पत्नी समेत 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। राज नर्सिंग कॉलेज बिना मान्यता के छात्रों का प्रवेश लेकर करोड़ों की संपत्ति बना लिया था, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गावाड़ी निवासी डॉक्टर अभिषेक का तरंग चौराहे के पास राज नर्सिंग होम है। इसके अलावा तुर्रा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, दुर्गावाड़ी स्थित राज नर्सिंग होम हॉस्पिटल व कॉलेज के 8 वाहन, चिलवाताल के नकहा में स्थित भूमि शामिल है। इसके अलावा अलग अलग बैंकों में संस्था और तीनों के नाम से खुला 15 से अधिक खाता के संचालन पर भी जिलाधिकारी ने रोक लगा दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार सदर विकास सिंह और एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा। पीछे तक है, मतलब आगे पीछे इसके वाले में सर झगड़ा भी चल रहा है, उसी जमीन पे झगड़ा चल रहा है, काफी लंबा। जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 2/11/2022 के तहत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत इनकी अवैध प्रॉपर्टी जो यह अपराध कारित कर धन अर्जित कर गलत तरीके से अर्जित किए हुए यह प्रॉपर्टी उसको आज जब्त और कुर्क की जाती है। घूमिए इधर इधर इधर
चेहरा सब टच हो जाता है जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से फर्जी है। साधारण तो सूचित किया जाता है कि श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के आदेश जिला 2/11/2022 के द्वारा मुकदमा अपना उत्तर प्रदेश गैंगस्टर डॉक्टर अभिषेक यादव पुत्र डॉक्टर राजा राम यादव साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के आदेश मुकदमा अपना संख्या 262/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त गैंग संगठन राजा राम यादव की संपत्ति कुर्क की जाती है, जो इन्होंने अवैध तरीके से धन अर्जित कर खरीदी व जब्त ली थी। ये इनके द्वारा जो है अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करके ये सब प्रॉपर्टी बनाई गई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जो है आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज जिला मजिस्ट्रेट महोदय गोरखपुर के निर्देशानुसार एक मेडिकल माफिया डॉक्टर अभिषेक यादव, जो राज नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज चलाता था, उसकी 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत करीबन 6 प्रॉपर्टी अटैच की गई हैं और कुछ प्रॉपर्टी अभी भी अटैच की जा रही हैं, प्रोसेस में हैं। उसके बैंक अकाउंट, उसके व्हीकल्स और ये सभी प्रॉपर्टीज आज अटैच की गई हैं और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इस व्यक्ति के खिलाफ टोटल 19 मुकदमे दर्ज हैं, उसमें कुछ थाना कैंट, थाना पिपराइच एवं लखनऊ में भी इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। ये व्यक्ति अपनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोगों को एडमिशन देकर उनको फर्जी मार्कशीट, फर्जी एडमिशन एवं उसके बाद में शासन स्तर से भी फर्जी परमिशन लेकर मेडिकल कॉलेज चलाने एवं उससे कूटरचित कागजों से जो उन्होंने धन अर्जित किया है उससे संबंधित जो जो प्रॉपर्टीज़ है आज उसको अटैच किया गया है एवं आने वाले कुछ दिनों में इसकी कंप्लीट क्लोजर की कार्रवाई कर आपको डिटेल में सुनिश्चित कराया जाएगा। अभी तक लैंड की वैल्यूएशन करीबन 50 करोड़ के आसपास आई है, बिल्डिंग में इसमें करीबन कुछ लोन लेके करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ बनाई है, तो करीबन 50 से 100 करोड़ के आसपास के बीच की वैल्यू आएगी, लेकिन वैल्यूएशन कंप्लीट क्लोजर होने पर आपको बता दी जाएगी। डॉक्टर दंपति इस समय जेल में है, जेल में निरुद्ध हैं एवं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इनके खिलाफ टोटल 19 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि थाना पिपराइच, थाना कैंट, थाना हुसैनगंज लखनऊ और थाना कोतवाली गोरखपुर में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल जनपद गोरखपुर में पाई गई है, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर पता चला है मुखबिर के माध्यम से एवं हम प्रयास कर रहे हैं कि बाकी जनपदों में भी अगर किसी को सूचना है, सूचना मिले इसके माध्यम से, तो ज़रूर हमको अवगत कराएं। थैंक यू जी।